गणेश चतुर्थी आने वाली है। चलिए इस बार गणपति जी के लिए सिंहासन कुछ इस तरह से सजाते हैं। सबसे पहले मैं इस टेबल को एक लाल रंग के कपड़े से कवर कर लूंगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक छोटी सी चौकी को और रखूंगी और इसको भी मैं एक और कपड़े से कवर कर लूंगी। अब मैं ये एक बंधेज का दुपट्टा ले रही हूँ और इसको ठीक सेंटर से मैं एक जगह पर इस तरह से प्लेट्स बना बना कर इकट्ठा कर लूंगी। अब मैं इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूंगी। अब इसको मैं एक कील की हेल्प से इसको यहाँ पर हैंग कर दूंगी। अब मैं एक और सेफ्टी पिन लेके इसका आगे का ये हिस्सा इधर चौकी के कपड़े में पिन से अटैच कर दूंगी। ठीक ऐसा ही मैं दूसरी तरफ भी सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको भी यहाँ पर अटैच कर दूंगी। अब आगे की सजावट के लिए मैं ये एक बंधन बार ले रही हूँ और मैंने एक चौकी की साइड में दो कील लगा रखी हैं, इससे मैं इसको यहाँ पर हैंग कर दूंगी। लीजिए हमारे गणपति आ गए और अब हम इनके सिंहासन की सजावट करते हैं। अब मैं सिंहासन की डेकोरेशन के लिए कुछ प्लांट्स को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब तक हरियाली ना ऐड हो तब तक डेकोरेशन अधूरी सी लगती है। देखिए प्लांट्स ऐड होते ही कितना खूबसूरत सा लगने लगा हमारे गणपति का सिंहासन। अब मैं इसमें कुछ फेरी लाइट्स भी लगाऊंगी। लीजिए अब तैयार हो गया है हमारे गणपति जी का सिंहासन। फ्रेंड्स आपको ये सजावट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।